Hello students, so today we are doing our SST and we are going to read about our first chapter, that is maps and globes. So you all know that what is a map. Map kya hota hai? Ek representation hoti hai kiski? Jo bhi hamara India mein ya world mein hamari earth par kisi bhi jagah ki jo area batata hai ki kitna bada hai kitna chota hai, that is रिप्रेजेंटेशन होती है. हम एक फ्लैट सरफेस पर उसे दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मैप. वेयर एज अ ग्लोब, ग्लोब क्या होता है? एक स्फेरिकल, जस्ट लाइक अ बॉल. जैसे एक बॉल होती है, उसी शेप में जो है अर्थ को डिजाइन किया गया है. अर्थ का जो शेप है बिल्कुल स्फेरिकल, जस्ट लाइक एन ऑरेंज. ऑरेंज की शेप में है हमारा अर्थ, ठीक है, और उसी शेप में हमारा क्या बनाया जाता है? ग्लोब का मॉडल. ग्लोब के मॉडल पर पूरी जो अर्थ की फिजिकल फिजिकल डिविजन्स हैं, जो भी है, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है. नाउ इट इज वेरी स्मॉल इन योर बुक. इट इज अ ग्लोब, ओके, एंड इट्स टॉप इज दिस एंड द बॉटम इज दिस. सो दिस इज द ग्लोब एंड मैप. एवरीवन नोज दैट मैप इज दिस. दिस इज योर इंडिया मैप. ठीक है, नाउ विल रीड अबाउट दिस चैप्टर, दैट व्हाट इज इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर. द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ एज इट इज. इट हैज एयर एंड वाटर. यानी कि अर्थ सोलर सिस्टम क्या है? जहाँ पे हमारे सारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, एवरीथिंग इज देयर. एंड यू नो दैट देयर आर 9 प्लैनेट्स, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स. सो देयर आर मेनी प्लैनेट्स. लेकिन उन सारे प्लैनेट्स में से सिर्फ अर्थ, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट. अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ जो है सपोर्ट करी जाती है, क्योंकि यहाँ पे एयर है, वाटर है. विदाउट एयर, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट ब्रीथ, एंड इवन विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव. आवर अर्थ हैज लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज. हमारी अर्थ के पास क्या है? लैंड मासेस भी हैं और वाटर बॉडीज भी हैं. नाउ लैंड मासेस क्या होता है? जो लैंड वाला एरिया, दैट इज कॉल्ड लैंड मासेस, एंड जो वाटर वाला एरिया लाइक ओशन हो गए, सी हो गए, दैट इज आवर वाटर बॉडीज. द बिग लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. जो बहुत बड़े जो है लैंड मासेस होते हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट. उनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं. एंड जो वाटर बॉडीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओशियंस बोलते हैं. लाइक पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है. देयर आर स्मॉलर वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, गल्स, बेस एंड सीज. हमारे पास सिर्फ ओशियंस ही नहीं है, ठीक है, उनसे छोटी वाटर बॉडीज भी हैं, लाइक रिवर. जैसे यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, यमुना रिवर. हमारे पास वो रिवर जो है छोटी हैं, किससे? ओशियन से, तो ऑब्वियसली छोटी हैं. एंड लेक्स हैं, गल्फ्स हैं, सीज हैं, समुद्र, ठीक है, जो कि बहुत छोटे हैं एज कंपेयर टू द ओशियंस. नाउ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द कॉन्टिनेंट्स. हमारे कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? लैंड मासेस, बिग लैंड मासेस, जहाँ पे बहुत सारी जमीन होती है, दैट इज कॉल्ड लैंड मासेस. इन कॉन्टिनेंट्स कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में? हमारी अर्थ पर देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. कितने हैं? 7. फर्स्ट इज एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है, द कॉन्टिनेंट्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज. जो ये कॉन्टिनेंट्स है, सी दिस इज द मैप, वर्ल्ड मैप. दिस ये हमारे क्या है? कॉन्टिनेंट्स हैं सारे. जो आपको लैंड दिख रही है, वाटर, और जो ये ब्लू है सारा, ये क्या है? हमारा वाटर है. पूरे इसमें जो ब्लू आपको कलर दिख रहा है, दैट इज वाटर. एंड द रेस्ट ऑफ द एरिया, जो बचा हुआ एरिया है, वो क्या है? हमारे लैंड मासेस है, ओके. तो ये है हमारा जो कॉन्टिनेंट्स है. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं. और जो ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको किसने डिवाइड किया? इनके बीच में क्या है?
वाटर है यानी कि ओशियन आता है इनके बीच में जो इनको डिवाइड कर देता है। ठीक है, नाउ अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज ओशियन। ओशियन क्या है? द ओशियंस, देयर आर फाइव ओशियंस। कितने ओशियंस है? फाइव। फर्स्ट इज पैसिफिक, एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड एंटार्कटिक ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। जो आप अगर आप बुक की पीडीएफ देखेंगे उसमें आपकी जो है सारे मेंशन है। ठीक है, दिस इज योर पैसिफिक ओशन हेयर एंड इट इज द लार्जेस्ट ओशन। ये सबसे बड़ा जो है ओशन है हमारा कौन सा? पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट इज यहाँ पे एंटार्कटिक ओशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा है इंडियन ओशन। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा यहाँ से लेके, क्योंकि अर्थ जो है स्फेरिकल गोल शेप में है, राउंड शेप में है, तो ये क्या है? फ्लैट सरफेस है। मैप जिसमें ये मैप है हमारा वर्ल्ड का, दिस इज द फ्लैट सरफेस, लेकिन हमारी अर्थ जो है फ्लैट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? एक राउंड बन जाता है। इसके पीछे जो एरिया आप नहीं देख पा रहे हो, पीछे किससे कवर्ड है? पूरा पैसिफिक ओशन से। सो इट इज द डीपेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ओशियन। ठीक है, नाउ द पैसिफिक ओशन, एज आई टोल्ड यू द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन। सबसे बड़ा ओशन, सबसे बड़ी हमारी वॉटर बॉडी कौन सी है? पैसिफिक ओशन। इट सेपरेट्स अमेरिका फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। यानी कि जो पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। ठीक है, एशिया से अलग करता है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, उसको कौन सा ओशन है? वो पैसिफिक ओशन है, जो कि पूरा जो है अलग कर देता है। ठीक है, द आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट, और हमारा सबसे छोटा ओशन कौन सा है? आर्कटिक ओशन। द एटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। तो एटलांटिक ओशन है वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, विच सेपरेट्स नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका। जो हमारा एटलांटिक ओशन है वो कौन सा? सेकेंड लार्जेस्ट। फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन, देन इज एटलांटिक ओशन। ठीक है, ये हमारा जो है सेपरेट, मतलब अलग करता है नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को। सो दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज योर साउथ अमेरिका। ये इसको दोनों को डिवाइड करता है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है एंड दिस इज आवर साउथ अमेरिका। अंडरस्टूड, आई होप। ओके, नाउ द शेप ऑफ द अर्थ। अब मैंने आपको बताया शेप अर्थ की कैसी है, राउंड है, स्फेरिकल है। दिस इज द पिक्चर विच इज टेकन फ्रॉम द सैटेलाइट। हम सैटेलाइट बाहर भेजते हैं, उसकी जो अर्थ की पिक्चर है, अर्थ ऐसी दिखती है, सच में ऐसी दिखती है, जस्ट लाइक एन ऑरेंज। जैसा ऑरेंज का शेप होता है ना, स्फेरिकल, नॉट एग्जैक्टली राउंड, वैसी हमारी अर्थ दिखती है। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, इट वॉज बिलीव दैट अर्थ वॉज फ्लैट। बहुत पहले जब हमने कोई सर्च नहीं करी थी, रिसर्च नहीं करी थी, तब क्या समझा जाता था? अर्थ जो है फ्लैट है, जस्ट लाइक दिस बुक। ये बुक क्या है? एकदम फ्लैट है, इसकी शेप राउंड नहीं है। ठीक है, ऐसे ही समझा जाता था किसको? अर्थ को। पीपल बिलीव दैट इफ वी ट्रेवल टू द एजेस वी वुड फॉल ऑफ। वो क्या सोचते थे? जस्ट पहले सोचा जाता था कि अर्थ जो है फ्लैट है, फ्लैट लाइक दिस बुक। अगर वो सोचते थे, अगर हम इस अर्थ के एंड पॉइंट पर पहुंच गए, जैसे लाइक ये अगर मैंने बुक पकड़ी है, अगर हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक बुक के पहुंच गए, यानी कि अर्थ के पहुंच गए, तो यहाँ से क्या होगा? गिर जाएंगे नीचे। बट ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि अर्थ की जो शेप थी वो फ्लैट नहीं थी, इट वॉज स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, हाउएवर एक्सप्लोरर्स लाइक Fernand Magellan and astronomers like Copernicus proved that the earth was not flat. यानी कि उन्होंने क्या प्रूव किया? कि अर्थ जो है फ्लैट नहीं है। फोटोग्राफ्स फ्रॉम द स्पेस, जो स्पेस मतलब बाहर की दुनिया, ठीक है, वहां से जो फोटोग्राफ्स आई, जो हमारे साइंटिस्ट ने सैटेलाइट्स भेजी, ठीक है, उनकी इमेजेस जो हमारी बाहर से आई,
उन्होंने भी प्रूव कर दिया दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. ठीक है, नेक्स्ट इज आवर ग्लोब. अ ग्लोब इज अ राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ. जो ग्लोब है वो क्या है, राउंड है, राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ है. ये एक अर्थ का मॉडल है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे, मैं चाहती हूँ आपका स्कूल है, आपको आपके स्कूल का मॉडल बनाना है, तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली छोटा होगा. ठीक है, ऐसे ही क्या बनाया हमने, अर्थ का मॉडल बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब. इट रिप्रेजेंट द अर्थ इन अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे. ये अर्थ को, जो ग्लोब है, वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, बहुत ही सिंपल और एकदम एक्यूरेट, मतलब एग्जैक्ट जैसा वो है. यानी कि जितना उस अर्थ पे वाटर है, उतना ही ग्लोब में दिखाया गया है कि वाटर इतना ही है. ठीक है, जितना एरिया है अर्थ को छोटे से उसमें स्टैच्यू में हमने कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं. इट नॉट ओनली शोज द शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स बट एंड वाटर बॉडीज, बट ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अर्थ मूवमेंट ऑन इट्स एक्सेस अराउंड द सन. यानी कि ये सिर्फ हमें शेप, साइज, लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स की, कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं कॉन्टिनेंट्स और हमारे वाटर बॉडीज, सिर्फ हमें यही नहीं बताता, बल्कि हमें ये भी हेल्प करता है समझने में कि अर्थ की मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस. अपनी आपने पढ़ा होगा कि अर्थ जो है घूमती है सन के चारों तरफ. ठीक है, जस्ट सपोज दिस इज अर्थ. ठीक है, और ये है सन. दिस माई फिंगर इज सन एंड दिस इज, दिस पेन इज अर्थ. तो अर्थ तो सिर्फ चारों तरफ घूमती ही नहीं है, अर्थ अपने एक्सिस पर भी रोटेट होती है. सी दिस पेन इज रोटेटिंग, गोल गोल घुमा रही हूँ ना मैं इस पेन को. ठीक है, ये ऐसे क्या है, अपनी जगह पर भी रोटेट करती है और सन के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है. ठीक है, ये भी हमें हेल्प मिली ग्लोब से. ठीक है, थ्रू द ग्लोब हैज मैनी एडवांटेजेस, दो द ग्लोब हैज मैनी, क्योंकि ग्लोब्स के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी हैं. यानी कि कुछ अच्छाइयाँ भी हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं. अ ग्लोब शोज ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ एट वन टाइम. यानी कि जो ग्लोब है, जो अर्थ का मॉडल है, अब आप एक बॉल को देखोगे, अगर आप बॉल को सामने से देखोगे तो आपको वो सामने से ही दिखाएगा, बैक साइड से नहीं दिखाएगा कि पीछे क्या है. ऐसे ही ग्लोब का डिसएडवांटेज क्या है कि अर्थ को जहां से हम देख रहे हैं, इस पेन को आप जहां से देख रहे हो वो वही साइड दिखाएगा, उसकी बैक साइड नहीं दिखाएगा कि इस पेन की बैक साइड पे क्या लिखा है. ऐसे ही जो भी स्फेरिकल चीज होती है, राउंड चीज होती है, इट कैन नॉट शो यू कि पीछे वाली साइड पर क्या लिखा है. ठीक है, तो ये हमारा डिसएडवांटेज था ग्लोब का. या एंड इट कैन नॉट बी कैरिड इजिली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि ग्लोब इतना बड़ा बनाया गया है, राइट. ठीक है, और वो बहुत, जैसे बॉल होती है, क्या आप बॉल को इजिली कैरी कर सकते हो एवरी प्लेस पर, नो. ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक बास्केटबॉल का साइज होता है, इतने साइज का हमारा ग्लोब का मॉडल होता है, हम उसको कैरी नहीं कर सकते हर जगह. आई कैन नॉट कैरी दिस मच बिग बॉल इन माई बैग, मैं इसको अपने बैग में इतनी बड़ी बॉल को नहीं रख सकती. इट इज डिफिकल्ट टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, द डिटेल्स आर नॉट शोन क्लियरली बिकॉज ऑफ स्पेस लिमिटेशन. एक एक डिटेल जैसे है वो एकदम क्लियर नहीं है, क्योंकि जो उसकी स्पेस है, सिर्फ इतनी सी मॉडल पर, इतनी सी बॉल पर आप पूरे अर्थ की रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हो एग्जैक्ट. तो ये है हमारे ग्लोब की कुछ डिसएडवांटेजेस, लेकिन एडवांटेजेस भी हैं कि हम ग्लोब जैसी अर्थ दिखती है और कैसे वो रोटेट होती है अपनी एक्सिस पर, एक्सिस मतलब जो उसके नीचे पॉइंट होता है, अपनी जगह पर वो कैसे घूमती है, ये सारी चीजें हमें ग्लोब बताता है. नाउ नेक्स्ट इज मैप. सो दिस इज योर पॉलिटिकल मैप. ऐसा दिखता है हमारा पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, इंडिया का पॉलिटिकल मैप. ठीक है,
The map is derived from the Latin word mapo, which means a napkin. जो map है वो कौन से Latin word से describe किया गया है, बनाया गया है, that is mapo, जिसका मतलब है napkin. A map is a representation of the earth's surface. Map क्या है? Represent करता है, बताता है, ठीक है, of earth's surface के बारे में और उसके जो parts है. On a flat surface के ऊपर, you must have seen the map and you have filled the maps. ठीक है, आपने fill भी किए हैं map. वो क्या है? बिल्कुल flat होता है, plain होता है, curves उसमें नहीं होते हैं. ठीक है, तो क्या है map? क्या है? Representation of earth surface. Earth का जो surface है, earth जो कैसे है, उसमें क्या क्या divided है, ठीक है, वो एक flat surface पे हमें दिखाता है. A book of maps is called atlas. Atlas एक book होती है जिसमें पूरे world में जितने भी maps हैं वो सारे दिए गए हैं. उस book का नाम होता है atlas. ठीक है? Maps can be drawn on a flat surface to show continents, countries, cities, neighborhoods and even marketplaces. Maps जो है बनाए गए हैं flat surface के लिए. ठीक है? To show क्या दिखाने के लिए? Continents. कंट्रीज कितनी है, उस कंट्री में सिटीज कितनी है, नेबरहुड्स क्या क्या है, हमारे आसपास की कौन सी कंट्रीज है, और कुछ मार्केट प्लेसेस भी. एट टाइम्स मैप्स आर मोर यूजफुल देन ग्लोब. कहीं कहीं पर क्या होता है, मैप्स जो है ज्यादा यूजफुल होते हैं एज कंपेयर टू ग्लोब. जो मैप्स से ज्यादा मैप्स जो हम ज्यादा यूज करते हैं, आपके एग्जाम में ग्लोब तो नहीं आता बट हाँ मैप जरूर आता है, तो हम कहीं कहीं पर जो है मैप्स ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू ग्लोब्स. हाउएवर मैप्स टू हैव डिसएडवांटेजेस. बट मैप्स के भी क्या है? डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ बुराइयां हैं. द अर्थ इज शेप्ड लाइक अ स्क्वायर. जो अर्थ है उसकी शेप आई टोल्ड यू कैसी है, स्क्वायर की तरह है, गोल है. Hence the shape of the earth's surface is curved. इसलिए जो shape है earth की वो कैसी है? Curved है. Ball हमारी कैसी shape की होती है? Curved shape की होती है. ऐसे ही हमारी earth भी है. A curved surface cannot be shown accurately on paper as a paper has a flat surface. अब आप कोई मुड़ी हुई चीज है, गोल चीज है, उसको आप exactly जो है paper पे नहीं बना सकते क्योंकि वो गोल है, उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज पेपर पर फ्लैट सरफेस पे नहीं आ सकती. एन ऑरेंज इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द अर्थ. जो ऑरेंज है, ऑरेंज एवरीवन नोज दैट व्हाट इज एन ऑरेंज, इट इज अ फ्रूट राइट. सो ऑरेंज जो है परफेक्ट एग्जांपल है ना, वो एग्जैक्टली गोल है, इट इज स्फेरिकल इन शेप. वो किसकी शेप की तरह है? बिल्कुल अर्थ की शेप की तरह है. Now let us see how the surface of the earth is represented on a map. Mark two points on the orange. अगर हम एक orange लें, ठीक है, peel the orange from place in between the two points in such a manner that the peel in, यानी कि हमें क्या करना है, एक point से दूसरे point तक orange को ऐसे peel, मतलब छिलना, उसको ऐसे करना है कि वो एकदम गोल शेप में निकल कर आए, ठीक है. Now spread it on the table. अगर हम उसे अब टेबल पर रखेंगे, हम क्या देखेंगे कि ऑरेंज का जो है, आप खुद ट्राई करना, आप खुद देखोगे कि जो ऑरेंज है वो फ्लैट नहीं है, वो कर्व शेप में, ऐसे ही शेप में आएगा, ठीक है. In that creases, in addition, the two points that were nearest are now the farthest. इसमें क्या हो जाता है, जो दो पॉइंट है जो कि सबसे पास है, अब वो क्या हो गए, सबसे दूर हो गए, ठीक है. हैंस मैप्स कैन नॉट बी एज एक्यूरेट एज ग्लोब बट मैप्स शो मोर डिटेल्स स्पेशली व्हेन अ स्मॉल एरिया इज बीइंग मैप्ड. यानी कि जो मैप है जो ग्लोब से बिल्कुल कम एक्यूरेट है, ग्लोब जो है ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू मैप, क्योंकि मैप जो है फ्लैट सर्फेस है, लेकिन ग्लोब जो है सच में जैसी शेप है बिल्कुल वैसी दिखाई देती है, ठीक है. इसलिए लेकिन हम मैप पर ज्यादा यूज करते हैं मैप का, क्यों? क्योंकि हमें छोटे एरियाज को हमें अच्छे से जानने को मिल जाता है. जब एरिया स्मॉल होता है तो हम मैप पर इजीली ड्रॉ करके देख सकते हैं. नाउ
देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैप्स, हमारे दो टाइप्स के मैप्स होते हैं, ठीक है। दोनों जो हैं हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। नाउ पॉलिटिकल मैप्स, फर्स्ट है पॉलिटिकल मैप, देन इज फिजिकल मैप्स। दीज मैप्स डिफाइन और शो पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, स्टेट, सिटीज एंड पॉलिटिकल डिविजन्स। यानी कि अगर आप ये मैप देखोगे, ठीक है, ये क्या है, डिवाइडेड है। सी ये लाइंस है ना, ये हमारा इंडिया का मैप है। ये स्टेट हमने जो है डिवाइड करी है, खेरी राजस्थान, गुजरात, ठीक है। ऐसे हमारे एरिया डिवाइडेड है। जो एरिया डिवाइडेड होते हैं जिस मैप में, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। लेकिन जिसमें जो है ये एरिया डिवाइडेड नहीं होते, एग्जैक्ट प्लेन होगा, दैट इज योर फिजिकल मैप, ठीक है। इसमें हमारे पॉलिटिकल मैप में एरिया जो है डिवाइडेड गिवन होते हैं, और फिजिकल मैप में दीज मैप शो फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज। जो हमारे फिजिकल मैप होते हैं उसमें क्या हम शो करते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ठीक है, प्लेन्स, रिवर्स। कभी भी आप रिवर का मैप देखोगे वो कैसा होगा, फिजिकल होगा। यानी कि जो बीच में लाइन्स है, जो बीच में लाइन्स है मैप में, वो नहीं होंगी, ठीक है। बिसाइड दीज देर आर मैप्स दैट शो क्रॉप्स ग्रोन। इसके अलावा भी हमारे पास मैप होते हैं जो कि दिखाते हैं कहाँ कहाँ पर कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं। मिनरल्स फाउंड इन वेरियस प्लेसेस, जो भी मिनरल्स होते हैं हमारे, वो दूसरी दूसरी प्लेसेस पे कौन से पाए जाते हैं। रेनफॉल इन डिफरेंट एरियाज, की कितनी रेन होती है, ज़्यादा होती है कहीं पे, कम होती है, इसका भी मैप आता है। पॉपुलेशन का, ट्रांसपोर्ट का, सॉयल, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर है, हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ कहाँ पर है, इन सब चीज़ों के मैप बनाए गए हैं। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ मैप्स, मैप की जो है लैंग्वेज कैसी है। हर मैप की एक लैंग्वेज होती है। एवरी मैप हैज अ लैंग्वेज। In order to understand the information given on a map, we must know its language. हमें information जानने के लिए कि उस map पर क्या information दी हुई है, हमें map की जो है language आनी चाहिए। Let's suppose अगर मैं आपको, मुझसे knowledge चाहिए, तो आपको जो मुझे लैंग्वेज आती है वो आपको भी आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे फ्रेंच बोलने लग जाऊँ तो क्या आपको समझ आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच। ऐसी अगर आप जर्मन बोलोगे बट मुझे फ्रेंच आती है, आप जर्मन लैंग्वेज बोलोगे बट मुझे समझ नहीं आएगी, बिकॉज आई एम नॉट फेमिलियर टू दैट लैंग्वेज, मुझे उस लैंग्वेज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऐसे ही क्या है, मैप को समझने के लिए हमें मैप की लैंग्वेज आनी चाहिए। जो लैंग्वेज में आता है, फर्स्ट इज डायरेक्शन। देर आर फोर डायरेक्शंस, ठीक है, हमारी फोर डायरेक्शंस होती हैं। अपने फोर्थ क्लास में भी इन डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट इज नॉर्थ, नॉर्थ इज अप, ठीक है। देन इज साउथ, साउथ क्या होता है, नीचे के एरिया को हम क्या बोलते हैं, साउथ। देन इज वेस्ट, यहाँ पे होती है हमारी वेस्ट एंड ईस्ट। आपने सुना होगा सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ऐसे ही होता है हमारा, फोर डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है।